हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज इंडियन क्विक रेसिपी में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एकदम झटपट रेसिपी। गाइस, जब जेब में पैसे कम हो और मन भी बहुत चटपटा खाने का बोले तो हमारी रेसिपी इसी तरीके के चटोरों के लिए है, वो भी एकदम क्विक रेसिपी। 7 मिनट में हमारी रेसिपी रेडी। गाइस, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको अगली रेसिपी किस चीज़ पर चाहिए। हम आपको देंगे एकदम क्विक रेसिपी। गाइस, आज हम बनाएंगे आलू प्याज और गोभी के पकौड़े। उसके लिए हमें चाहिए एक बोल बेसन, एक बोल आटा और लंबी कटी हुई प्याज, 4-5 पीस गोभी, 2 आलू। तो गाइस, चलो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार और 1 हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। गाइस, हम इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और हमें ज़रा सा, अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप 1 चम्मच के अबव इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। गाइस, चाट मसाला ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। गाइस, डोंट स्किप द वीडियो, वरना प्याज के पकौड़े कुरकुरे नहीं बनेंगे। इन सबको अच्छी तरीके से हाथ से मसल लेना है ताकि हमारे जो प्याज की कलियाँ हैं वो सब अलग अलग हो जाएँ और हमें प्याज को लंबा लंबा चॉप करना है, आधा चांद जैसा, ये देखिए जैसा आप देख रहे हो। गाइस, इनसे बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं, एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी बनते हैं हमारे पकौड़े। तो ये हमने डाला इसमें पानी, अगर आप 1 कप बेसन ले रहे हो तो आपको इसमें 1 कप अराउंड पानी भी लगेगा। अब मैंने इसमें लिया है 1 कप के अराउंड आटा, जी हाँ आटा, ये देखिए, क्योंकि मेरे पास बेसन कम पड़ा था तो मैंने इसमें आटा डाल दिया, लेकिन जो हमारे बेसन की कमी है वो आटे ने पूरी कर दी है। और कुछ मसाले मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला है तो पता भी नहीं लगेगा कि इसमें आटा डाला है, जी हाँ। अब ये देखिए दोस्तों, अब हमारा जो ये बैटर है तैयार है, पकौड़ों का मिश्रण। हमने एक पैन लिया और उसमें डाला तेल, ये देखिए, और छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनानी है हमें, एकदम छोटी छोटी। ये देखिए गाइस, जगह खाली है, इनमें भी मैं पकौड़ियाँ डाल दूँगी छोटी छोटी। हमें इसको थोड़ी देर तक, 1 मिनट तक रहने देना है। जब ये पकौड़ियाँ दिखने स्टार्ट हो जाएंगी, झाग कम हो जाएगा तेल का, तब हमें इसमें हल्की सी करछी मारनी है और पकौड़ों को अलग अलग कर देना है। ये देखिए गाइस, जैसे मैं कर रही हूँ। अब थोड़ा सा टाइम के बाद जब ये अलग अलग हो जाएंगी, दिखने बैठ जाएंगी गाइस, ये देखिए ऐसी दिख रही हैं ये। अब हम इनको उल्टा सुलटा ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और ये सारे के सारे तेल में अच्छे से भुन जाएंगे। लेकिन गाइस, हमें पकौड़े एकदम क्रिस्पी चाहिए तो हमें इसे मीडियम आंच पे रखना पड़ेगा। जितना हम इसे देर तक भुनेंगे उतना ये पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो हमें एकदम तेज़ आंच नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पकौड़े बाहर से तो एकदम ब्राउन हो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, बेसन एकदम गीला रह जाता है। ये देखिए गाइस, हम इसे अच्छे से हिला देंगे जब हमारे पकौड़े पक चुके हैं पूरे अंदर से और एकदम गोल्डन कलर आ चुका है हमारे पकौड़े का, यानी कि हमारे पकौड़े, प्याज के पकौड़े तैयार हैं। इनमें कुछ गोभी के पकौड़े भी हैं गाइस, ये देखिए, गोभी के पकौड़े भी हमें इसी तरीके से बनाने हैं। ये देखिए, हमने प्याज और गोभी एक साथ मिक्स कर दी थी, ये देखिए गाइस, इसमें कुछ कुछ गोभी के पकौड़े हैं, कुछ कुछ प्याज के पकौड़े हैं। और आलू तो हमने अभी काटा ही नहीं क्योंकि वो ब्लैक पड़ जाता है, आलू हम बाद में काटेंगे। अब हमारा जो बाकी का बैटर बचा हुआ है उन पकौड़ों को भी मैं इसी तरीके से डाल लूँगी और अच्छी तरीके से भून लूँगी। गाइस, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, मतलब 5-6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। ये देखिए गाइस, करीबन 3 मिनट हमें एक पकौड़े का जो वो ग्रुप होता है उसे भूनने में लगता है 3 मिनट। अब गाइस, ये देखिए, हमें इसे चाकू से नहीं काटना है, आपके पास कोई भी पीलर होगा उसे छीलना है, उस पर एक ब्लेड दी जाती है इससे, ये देखिए। अगर आप चाहो तो चिप्स भी बना सकते हैं इससे, ये देखिए, हमें इससे इसके चिप्स निकालना है, ये देखिए गाइस, और एकदम पतले पतले चिप्स हैं, उनके पकौड़े बहुत ही अच्छे कुरकुरे बनते हैं गाइस, ये देखिए, एकदम हल्के हल्के। बाकी के पकौड़े हमारे पक चुके हैं तो हमें इसे बीच बीच में हिलाते रहना है। गाइस, अब हम इन पकौड़े का ग्रुप भी निकाल लेंगे, ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे ग्राउंड में, ये देखिए। अब हमारा ऑयल जो खाली हो चुका है, और गाइस, हमारा जो बचा हुआ बेसन है
मतलब थोड़ा सा बच जाता है हमारे जो पकौड़े प्याज के उस गोभी के, उनको निकालने के बाद जो थोड़ा सा बेसन बच जाता है उसमें हमें क्या करना है गाइस, हमें उसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डालना है और उसमें मतलब थोड़ा सा 4-5 चुटकी नमक डालना है और उसी में हमें इन पकौड़ों को इधर उधर मतलब वो करना है, क्या कहते हैं उसे, उसी बैटर में हमें इनको डिप करना है और ज़्यादा बेसन नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का बेसन होना चाहिए गाइस। ये देखिए और अब हमारे पकौड़े रेडी हैं और गाइस ये पकौड़े बहुत ही कुरकुरे होंगे, ये आलू के पकौड़े हैं लेकिन चिप्स जैसे लगेंगे आपको। ये देखिए बन के एकदम रेडी हैं, ये केले के भी चिप्स बनते हैं। अगर आपको केले के चिप्स चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए गाइस मैं आपको पकौड़ा तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना कुरकुरा बना है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें आटे का यूज़ किया है। ये देखिए गाइस अब ये आलू का पकौड़ा है, ये देखिए गाइस इसमें बहुत ही कम बेसन है, ये देखिए, जबकि ये आटे से बने हुए हैं। लेकिन गाइस आप इनको बना के मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको लगा है कि इसमें आटा, एक बोल आटा और एक बेसन। गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।